स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये सिर्फ एक सरप्राइज नहीं बल्कि एक थैंक यू है मेरी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है। तो अब मेरी बारी, थोड़ी सी बीवी की सेवा की जाए। क्या है? देखो तो सही क्या है। चौंक क्यों रही हो? ये तुम्हारी अपनी मेडिकल डेंटल फैसिलिटी है। मैंने जगह भी तय कर ली है एंड ये इस शहर की सबसे बेहतरीन डेंटल क्लिनिक में से एक होगी। Because you deserve it। क्या लगा सरप्राइज? सबसे बड़ा सरप्राइज आज का ये था। It's beautiful। Happy Baisakhi। Appa, Happy Baisakhi Appa। तुम गले लगो। अच्छा आदि, आप प्रेजेंटेशन पे काम शुरू किया? हाँ वो मनी, यहाँ पर भी काम की बातें, बैसाखी है आज, एंजॉय करने दो ना सबको। ओके ओके सॉरी। अरे माय मिस्टेक। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चल के डांस करते हैं। नहीं तुम जाओ, मुझे मम्मा और पापा से बात करनी है कुछ। हाँ ठीक है, चलते हैं। ओके ओके। आलिया, तुम्हें आदि के साथ जाकर डांस करना चाहिए। रोशनी उसकी दोस्त है, लेकिन ऐसी क्या दोस्ती, इतना फ्रीली डांस कर रहे हैं दोनों। अप्पा, आप गलत समझ रहे हैं, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। They're just friends। अभी लंदन से आए हैं तो इसलिए। हाँ मनी, हमारे साथ लंदन में थी, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एक मिनट, रुक जाओ। क्या हुआ? एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इश्ता, इधर आओ प्लीज। हाँ, लगता है पापा और ऋषिमा डांस करने वाले। जोरदार तालियां। नहीं बाबा, नहीं डांस नहीं करने वाले, बिल्कुल उससे ज्यादा खास बात। दरअसल मैंने अपनी बीवी को प्रॉमिस किया था कि आज बहुत सारी सरप्राइज दूंगा उसे, तो एक और सरप्राइज बाकी है तुम्हारे। लाइट्स ऑफ। रोमी, हाँ ये सिर्फ एक सरप्राइज नहीं बल्कि एक थैंक यू है मेरी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है। तो अब मेरी बारी, थोड़ी सी बीवी की सेवा की जाए। क्या है? देखो तो सही क्या है। चौंक क्यों रही हो? ये तुम्हारी अपनी मेडिकल डेंटल फैसिलिटी है। मैंने जगह भी तय कर ली है एंड ये इस शहर की सबसे बेहतरीन डेंटल क्लिनिक में से एक होगी। Because you deserve it। क्या लगा सरप्राइज? सबसे बड़ा सरप्राइज आज का ये था। It's beautiful। यार अब तो भाई और भाभी को डांस करना बनता है, ऐसे मोमेंट पे तो मतलब बनता है। प्लीज भाई।
कैसा लगा सरप्राइज? आपको पता कैसे चला कि मुझे इसकी जरूरत है? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू सिर्फ नाटक करने के एंजॉय करने का। फिल्म प्रेम से बहुत बोर हो रही है। कैसे मालूम चला आपको कि मैं बोर हो रही हूँ? क्या लगता है कि सिर्फ तुझे अंदर की बातें पता चल जाती है? मर्दों को भी ना सब कुछ पता चलता है, बस जाहिर नहीं करते हमें। लेकिन सिर्फ एक बार पता करने से नहीं होगा, बार बार पता करना पड़ेगा। देखो मैं देख रही हूँ अब। अच्छा, तो ऐसे ही देखती रही ना, तो देखते देखते तेरे बोर्ड का ना DM में बदल दूंगा, फिर मेंटल क्लिनिक चला देगा ना तू। लेकिन खुश है ना तू? बहुत ज्यादा रमन। अच्छा आलू के टिक्के ठीक है, गरम गरम रोची। सलाद के थे? सलाद ही थे। ये सलाद है? खिंच के मारो तेरे मुंह पे। ये सलाद है? ओ बना दे रहा है छेती छेती। मेरी डाइटिंग नहीं खराब होनी चाहिए। अभी बन जाए। गुलाब जामुन कितने? गुलाब जामुन गरम है? या डाइटिंग तो मैं कल ही कर लेंगे। हाय रब्बा, प्रसाद के पैकेट के घर ही भूले। ओए ओए ओए, तो कितने चली? और तू ये तूने क्या पहना हुआ है? ओए तूने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो स्पेशली आज के लिए खरीदे थे? दादी मैं यही पहनूंगी। देखो ना, बाला अंकिल, शितू, श्रवु भैया सबने हमारे लिए पंजाबी आउटफिट्स पहने हैं, तो मैंने सोचा मैं साउथ इंडियन पहनूं। ये पावड़ा है। जब पाती मुझे देखेंगी कि मैंने पावड़ा पहना है तो वो कितनी खुश हो जाएंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। तू अपनी पार्टी को ना किसी और दिन खुश कर लेना। देखो अभी उनका वो आएगा ना पोंगल, पोंगल है ना, उसमें तू ये पहनेगी ना तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी। देख पुत्र, आज ना हम पंजाबियों का बड़ा खास त्योहार है बैसाखी का त्योहार, उस पे तू ये मद्रासी कपड़े कैसे पहन सकती है? चल वो पंजाबी सूट पहन ले, मैं तेरे चेंज करा देती हूँ। आजा मेरा बच्चा। नहीं दादी, मैं यही पहनूंगी, मुझे ये पसंद है। अच्छा अपनी मनमानी करनी है ना तूने, कर। लेकिन ये गल सुन ले, फिर तू नीचे नहीं आना, पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा पंजाबी पार्टी में मद्रासी कपड़े पहन के बैठे रहे तू घर में। हाँ मैं नहीं आऊंगी नीचे, आप लोग सेलिब्रेट करो बैसाखी मेरे बिना, मैं जा रही हूँ। ओए बात तमीज ना होए थे, कितना गुस्सा, कितनी जिद, बिल्कुल अपने बाप पे चली गई है। माँ इतनी प्रिटी लग रही हो ना, छोटी सी कुट्टी लग रही हो। सीरियसली अपन आज आपको डेट पे ले जाने वाले हैं। अरे आप लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहोगे पूरी रात। चलिए चलिए डांस करके टाइम आ गया। चलो 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 चलो। सारे अनु एक्टिंग करा लो सारी। मम्मी जी भारी भारी लेके कहाँ घूम रहे हो आप? लाओ मुझे तो। नहीं नहीं ठीक है, मैं अपे कर लेंगी। मैं देखा कि सारे बिजी हैं, एंजॉय कर रहे थे, मैं क्या चल मैं अपे लाती हूँ। वैसे भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, नहीं तो आखिर में मैंने भी गला सुननी पड़ी है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? आप किसी बात पे नाराज हो क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? हाँ यार, मैं ना ये पीहू के बर्ताव से बड़ी परेशान हूँ। बड़ी बदतमीजी की उन्होंने आज मेरे नाल। क्यों, पीहू ने क्या किया? और मैंने इन्हें प्यार नाल उन्हें बोला कि देख पुत्र आज त्योहार का दिन है तो कपड़े पहन के आ जा, ते मना कर दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अपनी मनमानी कर रही है ना, तो फिर नीचे पार्टी में आई। इतनी बदतमीजी की पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। ये आजकल के बच्चे को पता नहीं हो की गया है। तो बहुत गलत बात है मम्मी जी, मैं पीहू से बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, तू कोई गल ना करी, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैंने तेनू शिकायत की उसकी। तू छोड़ दे परा कर। तो की है शिकायत, तो क्या गलत बात है मम्मी जी? उसने गलती की है, गलती की तो सुधारना तो होगा ना, नहीं तो उसका बर्ताव ऐसे ही होता जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है मैं बात करके आ रही हूँ। न जाने क्या हो गया पीयू को, वैसे बिहेव कर रही वो अचानक। ओ नीलू, इतने सारे पहाड़ उठा के कहाँ जा रही हो? रुक 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 रुक। अरे भाभी मैं ले जाऊंगी। नहीं ऐसे तुम इतना। अरे नहीं मैं कर लूंगी भाभी। एक्सक्यूज मी। जी मैम। एक हेल्प कर देंगे प्लीज? ये प्रसाद का सारा सामान लेके जाना है वेन्यू तक, आप प्लीज रखवा देंगे क्या? मैं भाभी मैं ले जाऊँ। नहीं 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 रुको रुको भाई साहब, आप प्लीज रखवा दो ना। वैसे करने को तो मैं ही कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी को देखने जाना है घर तक। यही पे पास में ही वेन्यू है। ये भारी वाला आप पकड़ो भैया। ठीक है नीलू बता दे कहाँ। ठीक है थैंक यू थैंक यू। पर मुझे यही पहनना है, मुझे पाती को हर्ट नहीं करना। आप एक्चुअली पट्टू में बहुत प्यारे लग रहे हो। एंड हाँ ये बात सच है कि पार्टी विल बी वेरी हैप्पी अगर आप उनके कपड़ों में रहोगे।
That's okay, ma'am. दादी को बता देती हूँ कि आप उनके दिए हुए कपड़े नहीं पहन पाओगे। दादी लाई तो इतने प्यार से थे आपके लिए पंजाबी ड्रेस, क्योंकि आज उन्होंने पंजाबी फंक्शन रखा है, तो चाहते थे कि उनके ऑर्गेनाइज किए हुए फंक्शन में आप पंजाबी ड्रेस पहनो। बट आप नहीं पहन रहे हो, इट्स ओके। लाइक आप सबको तो खुश रख नहीं सकते हो, दादी दुखी होती है तो हो जाए, है ना? तो बता देती हूँ, अब वो हर्ट होते तो हो जाए। नहीं 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 ईशिमा, मैंने सोचा कि ये ड्रेस पापा लेकर आए थे। ये ड्रेस दादी लेकर आई थी, उन्होंने पापा से कहा था कि पीहू के लिए अच्छी सी पंजाबी ड्रेस लेकर आओ, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम वो पहनो। अब क्या कर सकते ना, लेकिन सो इट्स ओके, तुम पट्टू लहंगा ही पहने रहो, दादी को मना कर देते हैं। नहीं ईशिमा, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, ना ही दादी को और ना ही पार्टी को। That's a good thought. तो एक काम करें, दोनों को खुश कर दे। पूछो कैसे? कैसे? ड्रेस को फ्यूजन करते हैं ना। फ्यूजन? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम दादी की दी हुई कुर्ती ऊपर पहन लो और नीचे पार्टी की दी हुई स्कर्ट पहने रहो। It will be a nice fusion. Don't you think so? Wow, ईशिमा, अब तो super awesome हो। अच्छा मैं जाती हूँ, जल्दी से दादी वाली सलवार कमीज लाती हूँ, ठीक है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।